नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। पिछले दिनों पेगासस को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो अभी तक थमा नहीं है। इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस पर उठे बवाल के बाद सरकारों के प्रभावशाली लोगों की टोह लेना तो नहीं छोड़ा है, लेकिन इस काम के लिए सॉफ्टवेयर नया ढूंढ लिया गया है। लोगों की जासूसी के लिए एक और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाने का खुलासा हुआ है। एक साइबर सुरक्षा कंपनी ने खुलासा किया है कि कई देशों की सरकारें हर्मिट नामक इस सॉफ्टवेयर का जासूसी में इस्तेमाल कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक अध्ययनकर्ताओं ने पहली बार कजाकिस्तान में इसका इस्तेमाल होता पाया है। कजाकिस्तान में सरकारी नीतियों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। आपको बता दें कि इस आंदोलन को कजाक सरकार ने बलपूर्वक दबा दिया था। तभी से कजाक सरकार लोगों की जासूसी के लिए हर्मिट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा सीरिया और इटली में भी यूजर्स के फोन में ये एंड्रॉइड आधारित सॉफ्टवेयर देखा गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर है जो डाउनलोड होने के बाद अपना काम शुरू कर देता है। इसे एंड्रॉइड फोन पर इंस्टॉल किया जाता है। ये बार बार फोन चेक करता है ताकि उसके फंक्शन और पता लगा सके। मोबाइल में SMS के जरिए इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। ये एक फिशिंग अटैक जैसा होता है। डाउनलोड होने के तुरंत बाद ये हर्मिट काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद ये ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है, कॉल कर सकता है और उसे रीडायरेक्ट कर सकता है। ये कॉल लॉग, डिवाइस की लोकेशन और SMS का डाटा चुरा सकता है। इसके iOS वर्जन का भी पता चला है, यानी आईफोन में भी ये सेंध लगा सकता है, लेकिन उसके सैंपल नहीं मिले हैं। वहीं शोधकर्ताओं ने अपने ब्लॉग में बताया है कि हर्मिट सॉफ्टवेयर इटली सॉफ्टवेयर वेंडर RCS लैब और टेलीकम्युनिकेशन सॉल्यूशन कंपनी टाइके लैब SRL ने तैयार किया है। ब्लॉग के मुताबिक इटली सरकार ने 2019 में इसका इस्तेमाल भ्रष्टाचार रोधी अभियान के लिए किया था। RCS लैब करीब 30 साल से सक्रिय है और ये पेगासस बनाने वाली इजरायली फर्म NSO ग्रुप और फिन फिशर बनाने वाले गामा ग्रुप के क्षेत्र में भी काम करती है। RCS लैब के संबंध पाकिस्तान, चिली, मंगोलिया, बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार और तुर्कमेनिस्तान की सैन्य और इंटेलिजेंस एजेंसियों से रही हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से अब दूसरा जासूसी सॉफ्टवेयर भी आ गया है। इससे आप सतर्क रहे ताकि फिर से ये विवाद दोबारा उछाल पर ना आए और आप भी सुरक्षित रहे। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन।